हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गियर बॉक्स में से मैं कैसे काम किया जाए, और अगर किसी वजह से कोई नॉइज या कुछ हमारे गियर बॉक्स में ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, इस तरह की आवाज़ आती हैं जिससे कि हमें ज़्यादा परेशानी आ रही हो और ना सुनने लायक आवाज़ हो, उसके लिए क्या करना है। हमें पहले अपना ये जो बैरल है, इसके दो तरीके हैं कि हम या तो अपना बैरल की तरफ से निकालें या हम अपना मोटर उतारें। अगर मोटर भी हमने निकाल लिया तब भी हमें बैरल तो निकालना ही पड़ेगा गियर बदलने के लिए। तो पहले हम गियर की तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो अपना ये हुपर है ये निकालेंगे। हुपर निकालने के बाद जो बैरल के जो सपोर्ट है वो हटाएंगे। फिर इसके बाद सपोर्ट हटाने के बाद इसका हेड निकाल लीजिए। हेड निकालने के बाद फिर इसके बैरल के बोर्ड निकालिए जिससे बैरल आपका टाइट हुआ हुआ है। जब बैरल आपका निकल जाएगा, बैरल निकालने के बाद स्क्रू बाहर आएगा, फिर उसके बाद बैरल बाहर आएगा, और फिर आप इसके कवर के बोल्ट निकालिए और इस कवर को बाहर निकाल दिए। लेकिन ध्यान रखिए कि कवर निकालने से पहले हमें इसके अंदर का जो ऑयल है, जो गेयर ऑयल हम इसके अंदर लगाते हैं, तो गेयर ऑयल को जो इसका ड्रेन वाल होता है नीचे की तरफ, या किसी किसी में नहीं होता, हमारे में नहीं है, हम तो इसमें ऊपर की तरफ से ही डालते हैं। जो कुछ जो रेक्टेंगुलर में बने हुए होते हैं उनमें नीचे की तरफ ड्रेन पोर्ट होता है, उसे वाल को आप खोलेंगे या डॉट जो उसमें डेड प्लग होता है उसे निकालेंगे। तो उसमें से पहले ऑयल निकाल लीजिए। ऑयल निकालने के बाद आपने इसके ये बोल्ट रिमूव करने हैं, और उसके बाद आराम से आप इसका कवर आराम से हटा सकते हैं। इजीली कवर हटने के बाद आपके गेयर वहीं दिखाई देंगे आपको। अगर आपका गे इसके इसमें से अगर ऑयल लीकेज था तो आपको कवर तो हटाना ही है। ये याद रखना है कि जब भी हम गेयर बॉक्स कोई खोलते हैं तो उसे खोलने के बाद ऑयल सील हमेशा हमें नई नई नया पीस ही लगाना है। तो इसमें गियर जोन सी भी गियर आपकी खराब है, अब आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। और इसको फिट जैसे आपने खोला है बदलने के बाद, मोटर की तरफ से खोलने की जरूरत नहीं क्योंकि बैरल आपका हट गया है, तो अब आप ऐसे ही जैसे आपने पहले ऐसे खोला है उसी रेशो में आप इसको दोबारा से बंद भी कर सकते हैं। मैं आपको उसको हाई स्पीड में करके दिखा देता हूँ। जैसे जैसे खोला वैसे वैसे आप सामान लगा दीजिए, तो आपका ये पूरा फिट होने के बाद जैसे भी है आपका फिट हो गया, फिर उसके बाद आप इसको इसको इजीली अपने काम में ले सकते हैं। अगर आपका ये दूसरा वाला जो हाइड्रोलिक का सिलेंडर होता है, जो इंजेक्शन पोस्ट होती है, अगर उसके गियर बक्से में आपको उसके सिलेंडर में कुछ आपको काम करना है, तो उसके लिए पहले जरूरी है कि आप अपनी मोटर को अलग निकालें। जब आपकी मोटर अलग निकल जाएगी फिर उसके बाद आप एक एक करके, मान लिया सपोज करो आपकी ये वाली सील लीकेज हो गई है, आपका प्रेशर पूरा नहीं बन रहा है, तो हम अपना गेयर बॉक्स कैसे खोलेंगे। आज मैं आपको ये अपना जो ये सिलेंडर हाइड्रोलिक का ये आपको खोलना बताऊंगा। इसमें आपको अपना जो स्क्रू है वो निकालने की जरूरत नहीं है अगर आपका प्रेशर नहीं बन रहा, क्योंकि हमें पिस्टन की सील बदलनी होती है और जो साइड के दोनों दोनों जो रिंग पड़े पड़े हुए हैं जो लगे हुए हैं इसमें, वे बदलने होंगे। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसे पहले कैसे 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 हम इसे खोलेंगे। सबसे पहले हम अपनी मोटर हटाएंगे। ये मोटर निकालने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे ये चार बोल्ट हैं, जो हमारे ये वाला पोर्शन है, पहले या तो ये हटा लीजिए, थोड़ा लूज कर लीजिए, फिर इसे हटा लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम कोई सा भी पहले अपने बोल्ट हटा लेते हैं। ये बोल्ट हटाने के बाद हमने ये भी हटा लिया अपना, जो हम जिस पे हमारी हाइड्रोलिक मोटर, ये हाइड्रोलिक मोटर है हमारी, हाइड्रो मोटर हटा ली हमने। उसके बाद हम उसके जब ये हट गया है तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाली जो कैप है, ये कैप हटाते हैं। ये कैप हट गई हमारी, ये हमारी एक्चुअली क्या है, सॉरी दूसरा खींच गया। तो ये जो हमारा कैप है ये एक्चुअली क्या है, ये जो सील लगी हुई है, ये सील को रोकने के लिए हमने एक छोटा सा फ्लेंज कवर इस पे लगा रखा है। अब जब ये हट गया है, अब हम इसके ये जो नट है, ये वाली प्लेट एक्चुअली हमें उतारनी है क्योंकि हमें सील अंदर की बदलनी है। तो इस प्लेट को उतारने से हमारा काम हो जाएगा। इस प्लेट के लिए हमें नट खोलने पड़ेंगे केवल, तो इसमें ये नट निकाल लेते हैं। एक काम और करना है इसी बीच में, अगर हमें जैसे इसके इसे करने से पहले हमें हाइड्रोलिक के पाइप तो खोलने ही पड़ेंगे, जो हमारे हमने इसमें सोनी कर रखे, तो हाइड्रोलिक के पाइप खोलने के बाद ही ये सारा काम करेंगे हम। जब हमारे ये नट उतर जाएंगे तो नट उतरने के बाद हम जो मेन प्लेट है ये प्लेट हटा देंगे पीछे। आप देख सकते हैं प्लेट हटने के बाद आपकी ये वाली सील दिखाई दे रही है और इसकी मेन सील भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो हम ये दोनों सील आराम से, इसकी जो सील है पिस्टन वाली, वो भी आराम से चेंज कर सकते हैं। तो
तो गियर बक्से में या सिलेंडर में जो इंजेक्शन वाले होते हैं इनमें इतना बड़ा काम नहीं होता, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा मेन जो सिस्टम है वो कहाँ से चल रहा है। क्योंकि अगर हमें पिस्टन की सील बदलनी है, आगे से भी खोल सकते हैं पीछे से भी खोल सकते हैं, अगर हमें पीछे की बैक साइड की सील लीकेज है तो हमें बैक साइड की ही प्लेट निकालने में फायदा है। अगर सपोज करो हमें फ्रंट की सील निकालनी पड़ती, फ्रंट में यहाँ पे ऑयल आ रहा होता तो हमें क्या करना था, बैरल हटा के सिर्फ ये प्लेट हटानी है, लेकिन प्लेट हटाने के लिए हमें नट यही खोलने पड़ेंगे क्योंकि ये हमारी जो शाफ्ट है ये एक तरफ से इसमें मर्स आती है, इसमें थ्रेड के थ्रू टाइट आती है लॉक होके, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर की सील खोलनी पड़ेगी, हमें यही जैसे मैंने पिछली बार दिखाया था बैलर हटाना पड़ेगा, स्क्रू हटाना पड़ेगा और फिर ये प्लेट के बोल्ट खोल के हम प्लेट पीछे निकाल सकते हैं। हमारी जो ये यूनिट है, ये वाली यूनिट ये आगे पीछे जो चलती है हमारी, ये इसके थ्रू चलती है पूरी की पूरी, इस पर लॉक हुई हुई है, तो इसमें यूनिट में ज़्यादा इतना काम नहीं होता है। बस ये है कि जब लीकेज हो गई आपकी या प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, कैसे प्रेशर इसका मेंटेन करेंगे वो मैं आपको, एक उसका अलग चैप्टर है कि हाइड्रोलिक का प्रेशर कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे प्रेशर सेट किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में तो मोटर में आपको करंट देना है और घुमानी है, तो उसका गियर के सिस्टम के थ्रू उसमें आप उसके आरपीएम सेट कर सकते हैं, या अगर आपने गियर बॉक्स नहीं लगा रखा है तो आप ड्राइव के थ्रू भी मोटर की स्पीड कम भरती या कंट्रोल कर सकते हैं, तो आरपीएम हमेशा ड्राइव के थ्रू भी कंट्रोल हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। जो इंजेक्शन में है, इंजेक्शन में आपको हाइड्रोलिक प्रेशर सेट करने के लिए आपको कितना प्रेशर लगना है और कैसे सेट करा जाएगा, कैसे प्रोपोर्शनल वाल्व काम करेगा, ये चीज़ें ये अलग चैप्टर है, उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल में आगे किसी अपने आने वाले वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। इसमें आपने देख लिया होगा इस थोड़ी सी पोस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, आज का चैप्टर था कि हम अपने इसको कैसे खोलेंगे। मैंने गियर बॉक्स आपको ये वाला भी बताया कि इसमें गरारी अगर ख़राब है तो ऑयल वगैरह कैसे चेंज करा जाएगा, ये वो वाला गियर बक्सा है। मैंने एक ही मशीन पे दो गियर बक्से सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए दोनों पोर्शन अलग अलग लगाए हैं, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। और लगाने के लिए जैसे हमने खोली है वैसी मशीन हमें फिट करनी है, दोबारा फिट लगाने के बाद हम वैसे वैसे ही सामान लगाते चले जाएं, ये भाई मिस्टेक हो गया था, तो ये चलाने के बाद फिर हम अपनी सारा काम आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे लगता है कि आज आपने गियर बॉक्स में ऑयल और गियर बदलना और ये आपका जो हाइड्रोलिक का सिस्टम है इंजेक्शन वाले में, अगर आपको सील कभी ख़राब हो जाए तो कैसे बदली जाएगी, क्योंकि इसका स्क्रू का सारा सिस्टम मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हमारी होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो हमारा सिस्टम है पूरा का पूरा चलाने का, मैं अगली वीडियो में, मैंने ये आपको ये इसलिए पहले बताया है कि किसी भी मशीन को चलाने से पहले हमें उसकी सारे जितने भी मेंटेनेंस के काम हैं या जो जो काम इसमें फौरी तौर पर होते हैं वे होने चाहिए। मैं इसकी आपको आज वर्किंग और समझा देता हूँ एक बार थोड़ी सी, कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में ये जो मशीन मैंने बना रखी है, इसके दोनों स्टेशन मैंने बनाए थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सारी डिसमेंटल करी है दोबारा से, कि इस मशीन में चलाने के बाद हम कैसे अपना आइडिया इसे मॉडिफाई करेंगे, इसमें क्या क्या हम आगे की तरफ लगा सकते हैं। अभी ये मशीन जो पहला मॉडल था, जो पहले आता था आज से 20 साल 25 साल पहले 30 साल पहले, ये उसके हिसाब से डिजाइन है कि ये मशीन का जो भी सिस्टम है कि ऊपर से नीचे चलानी है तो ऊपर से नीचे जो मशीन चलेगी वो कैसे चलेगी, आप देख रहे हैं कि ये आराम से ऊपर नीचे आप आराम से चला सकते हैं। ये जो मशीन चलती है ये सिलेंडर के थ्रू चलेगी, मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में इसकी वर्किंग दिखाऊंगा, फिर उसके बाद वर्किंग के बाद हम डिस्कस करेंगे अगला स्टेप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो वॉच करने के लिए बहुत धन्यवाद।